हमेशा वही प्रॉब्लम होता है क्योंकि हर बार सभी को कहना पड़ता है एक ही चीज़। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या मतलब क्वेश्चन भी करते हैं चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आता है। तो अगर आप सही से अपलोड किया तो भी मतलब चैनल पर 10 15 20 व्यूज इस तरीके से आता है। और साथ में और एक क्वेश्चन होता है कि अपना मोबाइल से अपना चैनल पर दूसरा ईमेल अकाउंट क्रिएट करके वीडियो देखने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो फ्रेंड आज मैं दो क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पूरा फुल क्लियरली आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्रेंड चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मेरा नाम गुलजार हुसैन, आप देख पा रहे हो टेक्निकल गुलजार। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से मतलब वीडियो अपलोड करने से व्यूज नहीं आता है या किस तरीके से। देखो वीडियो अपलोड करने का दो ही तरीका है, एक आप YouTube से अपलोड कर सकते हो और एक आप क्रोम ब्राउजर से आप अपलोड कर सकते हो। सेम अगर आप YouTube से अपलोड करोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप ब्राउजर से अपलोड करोगे तो कोई बात नहीं। और कुछ लोगों ने मतलब वही कहते हैं YouTube से अपलोड मत करो, अब क्या करना है आप ब्राउजर से अपलोड करो फिर आपका व्यूज आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तरह। और ब्राउजर से सही तरीका है, हाँ मैं मानता हूँ आप लोगों को भी बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब टाइम है सब एक साथ करना है तो आप ब्राउजर से कर सकते हो, लेकिन यह नहीं कि आपको ब्राउजर से करने से ही आपका व्यूज आएगा या आपको ब्राउजर से करना ही पड़ेगा। ऐसे होता तो YouTube वाला यहाँ पर YouTube पर क्यों यहाँ पर अपलोड की ऑप्शन दिया है। तो कोई बात नहीं, आप ब्राउजर से भी अपलोड कर सकते हो, आप यूट्यूब से भी अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। बस एक ही फर्क है, आप अगर ब्राउजर से करोगे तो एक साथ थंबनेल, टैग, टाइटल, प्लेलिस्ट सब कुछ आप एक साथ में मतलब अपलोड करना वक्त आप सब लगा सकते हो, तो इसमें एक फायदा है। और बाकी अगर आप YouTube से अपलोड करोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, वाइट स्टूडियो पर जाके आपको थंबनेल लगाना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है, बाकी सारा वाइट स्टूडियो पर करना पड़ता है। इसीलिए आप अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्राउजर से अपलोड कर सकते हो। तो ये आता है व्यूज ज़्यादा क्यों नहीं आता है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका चैनल पर व्यूज एकदम कम आ रहा है और कुछ वीडियो पर व्यूज आया है, ऐसा बहुत सारा मतलब चैनल है क्यों पहले से ही व्यूज नहीं आ रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस चैनल पर पहले मतलब को ज़्यादा से व्यूज आ रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करना है, आप अपना चैनल पर जाना है, वाइट स्टूडियो पर जाना है और कंटेंट के ऊपर क्लिक करके आपका जो पॉपुलर वीडियो है सबसे ज़्यादा व्यूज कौन सा वीडियो पर है, ऐसे अगर 3-4 वीडियो है तो आपको क्या करना है, जिस टाइटल, जिस डिस्क्रिप्शन, जिस थंबनेल मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है और 2-3 वीडियो अपलोड करना है सेम जो वीडियो पर मतलब ज़्यादा व्यूज आया था, मतलब आपका चैनल पर सबसे ज़्यादा जिस वीडियो पर व्यूज आया था इस रिलेटेड सेम रिलेटेड आप अगर अपलोड करना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे व्यूज बढ़ता जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा मतलब पहले से ही जो भाई लोगों का मतलब व्यूज नहीं आ रहा है उन लोगों को कहना, मतलब आप सही से टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आप लगाते हो लेकिन फिर भी आपका जो चैनल पर वीडियो है उसमें 10-15 व्यूज आ रहा है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका वीडियो पर क्वालिटी कम है तो आपको क्या करना है, क्वालिटी बढ़ाना है। जो जैसे कि आपका फुल वीडियो है, जो भी वीडियो है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब एक स्टेप है मतलब कुछ चीज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको वह करना है आपका जो थंबनेल है वह अच्छी से होना चाहिए, ठीक है, उसका भी क्वालिटी हाई होना चाहिए। तो इसमें अगर आपको थंबनेल के बारे में या थंबनेल किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से मतलब हाई क्वालिटी अल्ट्रा क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट को इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को थंबनेल के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इस तरीके से थंबनेल भी एडिट कर लेना है और आपको देख लेना है आपका जो टाइटल है वो किस तरीके से, आप जिस कैटेगरी की वीडियो अपलोड करते हो सेम कैटेगरी आप यूट्यूब में एक बार सर्च कर लेना है जिस कैटेगरी के ऊपर, जैसे कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, जैसे कि इस तरीके से बहुत सारा मतलब अपलोड करता हूँ, मैंने एक सिंपल बता रहा हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल,
तो आप क्या करना है, YouTube पर सर्च करना है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो इसमें बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, आपको देखना है, क्या देखना है आपको, जो फास्ट तीन वीडियो आएगा, रैंकिंग वन, रैंकिंग टू, रैंकिंग थ्री, इसमें ये जो वीडियो है इसमें टाइटल किस तरीका से लगा हुआ है, ठीक है। आपका जो भी क्वालिटी हो कोई बात नहीं, इस क्वालिटी में सर्च करना, सर्च करके इस टाइटल में किस तरीका से डिजाइन किया है, किस तरीका से लिखा है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। वो फॉलो करके आप अपना वीडियो पर टाइटल इस तरीका से अपलोड करना है। तो नेक्स्ट आप लोगों को आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लगाना नहीं आता है तो मेरा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, या दूसरे आपका जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के वीडियो है, इस तरीके से सर्च करके आप एक वीडियो देख लेना, इसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं। तो आप सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लगाना, सिंपल सा तरीका है, आप जिस कैटेगरी के वीडियो बनाए हैं इस कैटेगरी के मतलब बारे में आपको लिख देना है। आपको क्या करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, क्योंकि किस तरीका से मैंने डिस्क्रिप्शन लगाया है सेम इसी तरह आपको भी डिस्क्रिप्शन लगा देना है। और इस वीडियो के मतलब जिस कंटेंट के ऊपर आपने वीडियो बनाया सिर्फ वही कंटेंट आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। मतलब पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट कुछ बात होता है वही बात यहाँ पर लिख देना है, और बाकी आपका चैनल का दूसरा वीडियो दे सकते हो। और आपका वीडियो पर जितना भी टैग लगाते हो आपको क्या करना है, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपका जितना भी टैग है सब कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और बाद में आपको क्या करना है, कुछ हैशटैग यूज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि आपका जिस कंटेंट के आपने वीडियो बनाया है वही कंटेंट के जितना भी हैशटैग है वही हैशटैग आप नीचे यूज कर सकते हो। इसमें कोई आपको मतलब नुकसान नहीं है, आपको फायदा होगा। जितना भी हैशटैग आप लगाओगे और इस हैशटैग यूट्यूब पर है तो इस हैशटैग पर आपका वीडियो भी रैंकिंग करेगा। तो फ्रेंड आपको इस तरीका से आपको सब कुछ करना है, और आपको ठीक से टैग लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है थंबनेल, टाइटल, टैग, और लास्ट में डिस्क्रिप्शन आता है। तो वह चारों चीज आप ध्यान से फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया, अब आप लोगों को बताऊंगा टैग के बारे में। आपको टैग किस तरीका से लगाना है, पहले से मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो टैग किस तरीका से मतलब ऐड करते हैं, और मतलब वायरल टैग किस तरीका से पता करता है, एक ही वीडियो पर मैंने बता दिया। क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने टैग के बारे में बताऊँ तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वीडियो। तो फ्रेंड आप लोगों को मतलब व्यूज के बारे में आप लोगों को पता चल गया किस तरीका से मतलब आपका व्यूज बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली मतलब आपका व्यूज के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर आपको व्यूज में कोई मतलब कुछ कंफ्यूज है तो आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आप लोगों को बताऊंगा मतलब आपका ही चैनल पर आपका ही मोबाइल से अगर वीडियो देखोगी तो उससे फायदा है या नुकसान है, तो चलो इस बारे में। तो फ्रेंड मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि मैं इस तरीके से यूट्यूब रिलेटेड और मोबाइल रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जो लोग मतलब अपना ही मोबाइल पर अपना जो चैनल है, इस चैनल तो है लेकिन बाद में क्या करते हो ऐड अकाउंट करके आप दूसरा चैनल खोल लेते हो या दूसरा ईमेल खोल लेते हो, क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट करके आप आपका ही चैनल पर आप वीडियो देखते हो मतलब व्यूज देखते हो और वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो यह गलती मत करना, क्योंकि आपका मोबाइल जो है आपका इसका लोकेशन है, इसका आईपी एड्रेस है, सब कुछ यूट्यूब ने मतलब कहाँ से मतलब एक वीडियो व्यूज हो रहा है तो कौन सा मोबाइल जो हो रहा है, मोबाइल मॉडल, लोकेशन, सब कुछ मतलब यूट्यूब पर चला जाता है। अगर आपने अपना ही मोबाइल से आपका ही चैनल का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब को पता चल जाता है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन पर सब कुछ, आप कुछ भी करोगे, आप कोई भी कमेंट करोगे तो उसका भी लोकेशन पता चल जाता है।
तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप खुद का मोबाइल से कभी भी आपका वीडियो प्ले नहीं करना है। आपका चैनल से हो या आपका दूसरा ईमेल से या दूसरा चैनल से कभी भी आपका चैनल मतलब वॉच नहीं करना है, व्यूज नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका चैनल पर बहुत नुकसान हो सकता है बाद में, क्योंकि आप जो भी कोई व्यूज करोगे, जो भी मतलब वॉच टाइम करोगे, वो मतलब बाद में आपको मतलब नुकसान ही होगा। इसीलिए बाकी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बस वही बताना चाहता हूँ आप खुद का मोबाइल से कभी भी आपका चैनल का वीडियो मत देखना। तो फ्रेंड आई होप आप इस वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और बाकी आप लोगों को कोई कंफ्यूज है, कुछ वो क्वेश्चन करना है तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से चैट कर सकते हो। तो फ्रेंड मेरा एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ब्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे खासा ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।